सोशल मीडियावरून खोटी आणि लबाड माहिती पसरवणाऱ्यांच्यावर विरोधात कारवाई होणार. लोकांनी सावध राहावं. मांगुरे ते फौजदार संगमेश दिडकिहाळ यांनी दिली माहिती. सोशल मीडियाचा वापर चांगल्या कारणासाठी झाला पाहिजे. समाज बिघडवणं आणि खोट्या टीका करणं, चुकीची माहिती पसरवणं, दिशाभूल करणं आता कायद्याने बंधनकारक असणार आहे. फौजदार संगमेश दिडकिहाळ यांनी मांगुरेतील श्री भैरवनाथ मंदिर येथे पोलीस मित्र बैठक आयोजित केली होती. तालुका पंचायत समिती सदस्य वीरेंद्र माने, साई उद्योग समूहाचे प्रदीप जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य भरत पाटील, अनासो कोगनोळे, मिथुन कुराडे, आनंद आवटे, कुमार बन्ने, सुरेश सांगडे, सहाय्यक फौजदार आर ए देसाई, ए गोंडसे, सी जे तारापुरे, स्वप्नील माने, नागराज बाजंद्री, अनासो पाटील आदी उपस्थित होते. महानकार न्यूज साठी मांगूरहून तानाजी बिरनाळे. ये हुआ है, बड़ा बड़ा गांव रहे तो एक तीन दो तीन का इसमें हिस्सा में बांटते हैं. भेड़कियाड़ में दो है, गोरगांव में तीन है, सदलगा में तीन तीन है और मांगुर में एक. जैसे बड़ा गांव रहता है तो उनको डिवाइड करके उसके जनसंख्या जो भी है उनके मुताबिक हम इसके डिफरेंस क्या है बोलते बोले तो पुलिस विजिटेशन पुलिस गाँव को भेंट देता है वो इम्प्रूव हो गया है और लोगों को जैसे आपके ये स्टार्ट करते हुए बताए थे आपके ये स्टार्ट किया प्रेस का ये